गुजरात में एक महिला ने बीजेपी के आला नेताओं पर गैंग रेप का आरोप लगाया तो हंगामा मच गया। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि एक एमएमएस बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है शिकंजे में और कई दर्जन लड़कियां फंसी हुई हैं। गुजरात में बीजेपी के लिए कच्छ का रेप केस गले की फांस बन गया है। चारों तरफ हंगामा मचा है। अब बीजेपी के आला नेताओं पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला भी कैमरे के सामने आई है। उसने कैमरे पर बीजेपी नेता शांतिलाल सोलंकी पर नशीला ड्रिंक पिलाकर रेप करने के साथ ही कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुझे वीडियो दिखा रहे थे, वो लोग देख रही थी, सुन रही थी, बोलने की या कुछ खड़े होने की भी हिम्मत नहीं थी मेरे में। महिला का आरोप है कि काम दिलाने के बहाने उसे फंसाया गया, पैसे देने के बहाने घर में बुलाया गया और फिर उसके साथ जो कुछ हुआ उसकी वीडियो बना ली गई। रेप पीड़िता का आरोप है कि घटना के बाद उसे बार बार वीडियो क्लिप दिखाकर ब्लैकमेल भी किया गया। इतना ही नहीं, उसने शांतिलाल सोलंकी के अलावा कई और बीजेपी नेताओं के इस गंदे खेल में शामिल होने का आरोप दोहराया है। 65 लोग फोन लोग का ग्रुप है, उसमें से 30 से 35 लड़की उसके चंगुल में है। अच्छा, इस पूरे मामले में आपको क्या लगता है कितनी और महिलाएं इसका शिकार हुई होगी? कम से कम 30 से 40 लड़की है जो इसका शिकार हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी महिलाओं के साथ ऐसी हरकतें होने का आरोप लगा है। ऐसे सनसनीखेज आरोपों के बाद गुजरात की सियासत में भूचाल के झटके महसूस किए जा रहे हैं। हंगामा बरपा तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रेप पीड़िता से मिलने पहुंची। पीड़ित लड़की की यही इच्छा है कि मुझे पूरा न्याय मिले। मेरे साथ जो हुआ है उसमें सरकार और पुलिस मुझे साथ दे बस। इस मामले में अब तक बीजेपी के 4 आला नेताओं समेत 7 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांच अभी चल ही रही है तो नहीं मालूम कि कितने और लोग इस गंदे खेल में शामिल हैं। पुलिस को उन वीडियो क्लिप्स की तलाश भी है जिन्हें दिखाकर महिलाओं को ब्लैकमेल कर गैंगरेप किया जाता था। इसके अलावा उन महिलाओं को सामने लाना भी पुलिस के लिए चुनौती है जिनके बारे में रेप पीड़िता बयान दे रही है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ गिरीश जोशी, कच्छ आज तक।